नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अभी जो है मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, बट एक बहुत ही ज्यादा जो चल रहा है कि भाई आज मार्केट गिरने वाला है। तो अभी भी आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आज गिरेगा ही, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा और डिटेल्स में दिखाता हूँ। सबसे पहला चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली यार FOMC का जो है वो रेट में एक जो है मतलब जो 325 बेसिस पॉइंट्स अभी जो रेट है उसको जो है 400 बेसिस पॉइंट के करने वाला है, यानी लमसम 75 बेसिस पॉइंट्स है जो है वो अपने रेट को बढ़ाने वाला है। तो 75 बेसिस पॉइंट के जगह पर अगर वो मान लेते हैं 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा देता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। बट हाँ भाई, आप क्यों हमेशा निगेटिव ही, या हम हमेशा क्यों निगेटिव लेके चले? अगर आप पॉजिटिव देखते हैं, सिर्फ 75 यानी जो फोरकास्टेड है कि मतलब 75 बेसिस बढ़ेगा आज, एक्चुअल में यही फोरकास्ट चल रहा है। तो भैया अगर सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट पे ही अगर वो मार्केट जो है वो अगर बढ़ाया जाता है आज रात को 11:30 बजे, तो फिर जो है डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो बात आती है कि मतलब नॉर्मल डंप देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा, फिर उसके बाद से जो है चूंकि मार्केट का जो अभी सेंटिमेंट चल रहा है वो कभी काफी ज्यादा बुलिश चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव भी देखने को मिला है कि ऊपर जाएगा। बट एक और जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज ये है कि भैया अगर मार्केट जो है वो कम से कम मान लेते हैं कि लमसम 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है, तो डेफिनेटली जो फोरकास्टेड था उससे कम ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर एक बड़ा मार्केट में एक स्पाइक ऊपर की तरफ भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली अभी हम लोग को सबसे पहले देखना है कि रात को होता क्या है, मतलब 11:30 बजे रात को कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ता है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो एक जो सेंटिमेंट चल रहा है ना दूसरे भी अगर मार्केट्स को देखते हैं वो भी आपको अभी मतलब सबके सब मार्केट थोड़ा बहुत या तो बुलिश हैं, सारे के सारे मार्केट लगभग देखिए ना डॉलर इंडेक्स अगर जब से करेक्ट करा तब से थोड़ा का थोड़ा उनका जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ। तो डेफिनेटली एक जो हमारे पास जो पॉइंट आता है, एक जो हमारे पास बात आता है कि आज रात को देखिए पहली बात कि एक जो डोज कॉइन को लेकर के अभी देखिए डोज कॉइन देखिए कि 100-150% से लगभग बढ़ा हुआ है। तो 150% बढ़ने का मतलब क्या है कि भैया एक जो डेफिनेटली बहुत दिन से चल रहा है कि एलॉन मस्क तो फादर ऑफिशियल घोषित कर देंगे हैं बहुत पहले से, पिछले भी जब बुल रन आया था लमसम मान के लिए 2 साल पहले, 2 साल पहले जब डोज कॉइन पर कंटिन्यूअस एलॉन मस्क का ट्वीट बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता था, आजकल बहुत ही कम, मतलब 2020 स्टार्टिंग में जब डोज कॉइन पे एलॉन मस्क नवंबर में जब ट्वीट करते थे तो बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में हलचल मचता था, ये आजकल कुछ ज्यादा नहीं मचता, बट फिर अभी देखिए 2 दिन से उनके ट्वीट की वजह से काफी ज्यादा हलचल मचा। तो नवंबर महीना और दिसंबर महीना काफी ज्यादा पॉजिटिव हमेशा ही रहा है मेरे ख्याल से। अभी अगर छोटा मोटा डंप अगर देखने को मिलता है या तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कितना इंटरेस्टेड पड़ता है, तो बहुत जल्द आगे इस पर फोकस करेंगे हम लोग। आइए पहले यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर चार्ट्स में बिटकॉइन के, तो देखिए बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन पहली बात मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा सा ब्रेकआउट उस टाइम पर लिया हुआ था मैंने जब से आपसे बताया यहाँ पर, और इस टाइम से ही देखते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में सबसे पहले देखिए तो उस ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पर उस ब्रेकआउट के बाद से सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर अगर नोटिस करते हैं तो 2000 मतलब 20,400-500 के आसपास चल रहा है, मतलब 20,400-500 के आसपास अभी भी चल रहा है ये, और लमसम ये $21,000 के आसपास से घूम के आया हुआ है। तो फिलहाल दूसरे जो है कि मतलब क्या सीबा और डोज कॉइन फिर से दोबारा नीचे आएगा, अभी हम बेच दें या क्या करें, मतलब आपके नहीं मेरे भी मन में ये आ रहा है भैया कि मैं क्या करूँ अभी, मेरा जो अभी सीबा है, मेरा जो डोज कॉइन उसको मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर जो भी कॉइन्स हैं अगर आप देखते हैं तो एक जो यहाँ पर आ रहा है डोज कॉइन को लेकर के कि भाई थोड़ा तो आज मतलब गिरा है, बट उतना ज्यादा नहीं गिरा है जितना आपको ऊपर गया हुआ है, क्योंकि आप अगर देखते हैं अभी 1 मंथ में ही देखते हैं तो 1 मंथ में देखिए तो इतना ज्यादा लमसम बढ़ा हुआ, ठीक ना, देखिए थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ नीचे आया है, डेफिनेटली आज रात को ये भी बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो मैं तो अभी पॉसिबली मतलब मैं अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मतलब 50% तो मैंने सेल कर दिया और ऊपर गया, तो बहुत लोग जो है वो 100% कर दिए, बहुत लोग जो है अभी भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब नहीं भाई ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कंफर्म कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली आज तो एक तो बहुत ज्यादा निगेटिव है कि भैया आज FOMC का रेट जो है वो कट होने वाला, डेफिनेटली यहाँ से नीचे आएगा। तो मैं जो है इस पॉइंट पर थोड़ा सा सेल कर रहा हूँ, हाँ कल के बाद से मैं कुछ और प्लान करूंगा, हालांकि मेरा ऑलरेडी यहाँ से देखिए कि आप देखिए यहाँ से आपका प्रॉफिट में आप मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में था, तो मैंने आज बुक कर लिया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2 दिन बाद से अगर लास्ट वीडियो भी देखा होगा तो मैं इसको बुक कर लूंगा लगभग 31 या 1 नवंबर, मतलब 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर के आसपास,
तो कल रात को ही मैंने जो है एक हाई बनाया था उस टाइम पे, कल का ही मैंने इसमें थोड़ा सा वो कर लिया, और मैं आज वेट करूंगा कि क्या इस पे एक्शन लेता है। डेफिनेटली अगर एक आपको स्पाइक देखने को मिलता तो वो मिस होगा, बट अगर रिटेस्ट करेगा तो भाई मैं दोबारा से इंट लूंगा, बाई करूंगा। और ओके दोस्तों, फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।